सीएम सिटी अब नॉलेज सिटी के तर्ज पर विकसित हो रहा है। गोरखपुर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो चुका है जहां 4 विश्वविद्यालय हैं। इस शहर की शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों की फहरिस्त में अब सैनिक स्कूल भी जुड़ गया है। अगले साल यहां स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की भी सौगात दी जाएगी। प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रबंधीकरण, हॉस्पिटैलिटी समेत किसी भी विशिष्ट प्रकार की शिक्षा के लिए गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही सीमावर्ती बिहार और नेपाल के लिए उम्मीदों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इसमें गोरक्षा पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर की परंपरा का बड़ा सहयोगी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से गोरखपुर में सैनिक स्कूल भी बन गया है और इसी सत्र में इसमें पढ़ाई भी होने लगी है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल बन जाने से अब सैन्य सेवाओं में अफसरों के लिए क्षेत्रीय संतुलन बढ़ेगा। सैनिक स्कूल को सीएम योगी ने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर बनाया है। इसका उद्घाटन 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे और पूर्वांचल के युवा सेना और अर्धसैनिक बलों में सिर्फ जवान ही नहीं सैनिक स्कूल में बेहतर प्रशिक्षण पाकर अधिकारी भी बन सकेंगे। बता दें बीते कुछ साल में गोरखपुर उच्च शिक्षा के तकरीबन सभी आयामों में समृद्ध हुआ है। बस अभाव था तो सिर्फ हॉस्पिटलिटी सेक्टर की पाठ्यक्रमों की पढ़ाई का। सीएम योगी ने यह कमी भी दूर कर दी है। उनके हाथों शिलान्यास के बाद गोरखपुर के गोंडा में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का निर्माण कार्य जारी है। सितंबर 2025 में यह बनकर तैयार हो जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार शिक्षा का एक और बेहतरीन विकल्प मिल जाएगा।